क्या है सभी बच्चों को डरा रहे हैं, हमें डरा के दिखाए। ये है राक्षस बाबू, नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा पक्की। तो फाइनली मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ की सबसे पहली बोटिंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कुलदीप एंड यू आर वाचिंग सर्चिंग फॉर पीस। आज हम जा रहे हैं मोरनी हिल्स, इसे हरियाणा का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और पिंजौर से मोरनी के लिए जो रास्ता है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होते हुए है, तो काफ़ी मज़ेदार रास्ता है। एक इंटरेस्ट सा बना रहता है कि कब कौन सा एनिमल सामने आ जाए। तो अभी तो हमें कोई बड़ा जानवर नहीं दिखा बंदर के अलावा, तो आगे देखते हैं क्या पता कुछ मिल जाए। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं आगे। तो अभी हम पहुंच गए हैं मोरनी हिल्स में, और ये पंचकुला से 35 किलोमीटर अराउंड है और चंडीगढ़ से 40-45 किलोमीटर। तो मोरनी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, यहाँ आकर हिमाचल वाली फील आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये हरियाणा है, ऐसा लग रहा है ये हिमाचल है। तो इसीलिए इसको हरियाणा का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं एडवेंचर पार्क, वहाँ जाकर कुछ एडवेंचर करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। तो अभी हम पहुंच गए हैं टिक्कर ताल में, और टिक्कर ताल मोरनी से 10 किलोमीटर है, और यहाँ पर है एडवेंचर पार्क। तो अभी हम जा रहे हैं एडवेंचर पार्क में, तो यहाँ पर मिलेगा आपको भूत बंगला, ट्री ब्रिज, रोप क्लाइंबिंग, कैपिटल एरिया, रिवर क्रॉस। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये है एडवेंचर पार्क का मेन गेट। अंदर कैंटीन की फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो ये है टिकट काउंटर, यहाँ पर हमें पहले टिकट लेनी पड़ेगी। तो अभी टिकट काउंटर पर कोई बैठा नहीं है, तो मेरा फ्रेंड बुलाने गया है उनको। तो यहाँ पर एडल्ट की टिकट है 50 रुपीज़, और जो अंडर 10 किड्स है उनकी लगेगी 30 रुपीज़। टिकट तो काफ़ी सस्ती है, क्योंकि जिस हिसाब से पार्क है उस हिसाब से तो ठीक है, नॉर्मल है। हिल्स एंड थ्रिल्स एडवेंचर पार्क। तो ये है टिकट प्राइस। ये ऊपर कौन लटका है, स्पाइडरमैन? चल भाई, इसका हाथ क्यों गायब है? ये बढ़िया है गुरु, मैं कितना मोटा हो गया। पहले चलते हैं भूत बंगले में। पहले अंदर से डरावनी आवाज जा रही थी ना उस टाइम। कोई बात नहीं, हम भी अंदर चलते हैं। क्या है अंदर ऐसा, क्या है सर जो बच्चों को डरा रहा है, हमें डरा के दिखाए। इधर अलग काउंटर है ना? नहीं नहीं, एक ही है ये। चले फिर अंदर। ये है राक्षस बाबू। कौन जगह पहले मैडम? हाँ तुझा, ये है स्पूकी हाउस। वॉकिंग जानी पड़ेगी? ना ना, अंधेरे में चलना है, तभी तो मजा आएगा। ये होगी भूत बंगले में एंट्री। चुड़ियल कहाँ से आएगी?
चलो ये काहे डरा रहे हो? पूरा भूत बंगला है, लाइट थोड़ी आवाज कम आई कुछ। इनका स्पीकर खराब हो गया है, लगता है स्पीकर खराब है। नाइट जैसे हमने एंट्री ली ना, इनका स्पीकर खराब हो गया। वो तो ये तुम ही है, सारे शेर है। देखा जब शेर की एंट्री हुई तो शेर तो पहले आया ना अंदर। कौन? मैं शेर? मैं शेर आया ना अंदर, मैं वीडियो में क्या होगा। ये मछली यहाँ पर क्या कर रही है? मछली नहीं मगरमच्छ है पागल। नहीं मछली है, मछली है यार। भूत बंगला छोटा सा है, थोड़ा और बड़ा होता ना आवाज तो जाती ना तुम्हारा। और सबसे बड़ी बात कि इनका स्पीकर खराब हो गया तो आवाज नहीं आ रही। बोलना पड़ेगा बेचारे। डरावनी आवाज तो आ रही है पर बहुत कम आ रही है, हल्की हल्की। ससुरा मजा ही नहीं आ रहा, वो फील ही नहीं आ रही। आजा यार एग्जिट करते हैं। ये है हैंगिंग ब्रिज, चलते हैं ऊपर। टूट तो नहीं जाएगी ये? वो नहीं टूटता, मेरा वेट ज्यादा है पता है ना। अरे कुछ नहीं है तेरा वेट, मेरा फोन पीछे है। सब मजा आ रहा है, तगड़ी वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर आकर, मजा आ रहा है सच में। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम किसी हैंगिंग ब्रिज में ऐसे जा रहा हूँ। चलो आ जा। देखना कहीं टूट गया ना, डर लग रहा है क्योंकि ये पुराने लग रहे हैं। ये ससुरा कैसे जा रहा है, पूरा ब्रिज हिला रहा है। वो टूट गया ना तो दोनों मरेंगे, घर में कौन बताएगा फिर? बहुत बताने वाला, मिस कॉल मार देंगे। मर गए। ये किसकी बकरी है? क्या ये किसकी बकरी है? शेर है, शेर है। अच्छा नकली शेर है। छोटे भाई बता के गए नकली शेर है, इससे डरने का नहीं। शेर और कुत्ता एक साथ, बेशर्म आदमी। अब होगी रोप क्लाइंबिंग, चलो शुरू हो जाओ खतरों के खिलाड़ी। Oh no. उस साइड तो जा नहीं सकता तू है? उस साइड नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? पक्की चैलेंज देखना कहीं मर मत जाना। अरे हम सिरमौरी कांगड़ा वाले नहीं जा सकते ना उस साइड, आराम से आराम से। पाँव फंसा ले, पहले पाँव फंसा, वो दूसरे वाला फंसा दे। ओए देखा नहीं, इधर भी इधर लड़के को आ गया, देखिए आया नहीं शाला। नहीं तो मर पकड़ा हुआ था, कोई ऐसे तो नहीं पकड़ा तो था, पर कई बार हो जाता है। हमें भरोसा अपने आप से, नीचे भी नहीं है ना बिछा हुआ। वो तेरे से ज़्यादा जल्दी कर दिया मानी जी, मेरे से जल्दी किया 41 सेकेंड।
तो अभी हम पहुंच गए हैं टिकरता लेक में और ये एडवेंचर पार्क के पास में ही है, 200 मीटर के आसपास होगा। तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या क्या मिलेगा आपको। हाँ जी हाँ जी, चला रखी है, पूरी बनेगी। बिल्कुल भाई जी। तो भाई एंट्री लेते ही कुछ इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट के पीछे हरी भरी पहाड़ियां हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है सच में। और रिजॉर्ट भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं और रिजॉर्ट के सामने ये पार्क और पार्क के सामने ये लेक, मतलब इतना अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया है कि क्या बताएं, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सबसे ज़्यादा अच्छा पता क्या लग रहा है, ये जो हरी भरी पहाड़ियाँ देख रहे हो आप, सच में मज़ा आ गया। यहाँ पर आपको बोटिंग करने को मिलेगी और बोटिंग के चार्जेस मैं आपको थोड़ी देर में कंफर्म करके बता दूंगा, बट पहले मेरा ध्यान बोटिंग की तरफ है ही नहीं, मैं है बस यही देख रहा हूँ जो पहाड़ियाँ हैं और साथ में ये ब्यूटीफुल पार्क और रिजॉर्ट। पर एक दो रात यहाँ पर रुकना तो बनता है। अगर आपको यहाँ पर रात को रुकना हो तो आपको पहले ही रूम बुक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। एक बार भाई आप पूरा 360 डिग्री देख लो। तो अभी हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए, तो पूछते हैं उनसे कितना टिकट प्राइस है एक पर्सन का, सेक्शन है बोटिंग के लिए। तो ये पहले पढ़ लेना फिर बोटिंग करना। ये है टिकट प्राइसेस, तो फाइनली मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ की सबसे पहली बोटिंग और पैर थक गए भाई सच में। और ये तो है प्रो, ये तो करता रहता है बोटिंग, पर काफ़ी मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ से कूद के ना मर जाऊँ, पानी में घुस जाऊँ, मर जाऊँ मरूंगा नहीं। तो ये है टिकर तालेक और सामने आपको रिजॉर्ट दिख रहा होगा और उसके पीछे ये हरी भरी पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर बोटिंग करने का बहुत मज़ा आया सच में, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये हरियाणा का स्विट्ज़रलैंड है। आप भी यहाँ पर एक बार जरूर आइए और बोटिंग का और ये नेचुरल ब्यूटी का मज़ा लीजिए। तो अभी बोटिंग करते करते हम थक गए, अभी हम जाएंगे वापस और उसके बाद एक और लोकेशन है, हम वहाँ पर जाएंगे। तो आप बने रहिए वीडियो पर, मिलते हैं आगे। बोटिंग करते करते हम थक गए, अभी प्यास लग रही है तो चलकर कुछ पीते हैं और फिर अगले लोकेशन में जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कुछ देर बाद। टिकरताल के बाद अभी हम जा रहे हैं मोरनी फोर्ट में, तो चलिए देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है, शायद वहाँ पे म्यूज़ियम भी है तो और मज़ा आएगा देखने में। तो चलिए, ये फोर्ट मोरनी पुलिस चौकी के पास में ही है, तो चलिए देखते हैं। ये है फोर्ट का गेट, नेचर म्यूजियम का लर्निंग सेंटर, मोरनी फोर्ट मोरनी।
ये है हरियाणा की संस्कृति। ये फोर्ट 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और उसके बाद ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आ गया, उन्होंने इसे नेचर म्यूज़ियम में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो बहुत ही अच्छा ये म्यूज़ियम है और आप यहाँ पर ज़रूर आइए और आकर देखिए। इसमें हरियाणा की संस्कृति, नेचर, जो भी एनिमल्स हैं उन सब के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए। और मोरनी हिल स्टेशन सच में बहुत प्यारा है और बहुत सारी जगह यहाँ पर घूमने के लिए, तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए और यहाँ पर आकर हॉलीडेज़ का मज़ा लीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।